हेलो गाइस, वेलकम टू H2O, द ए टू जेड ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपको अपनी पढ़ाई में मजा आ रहा है और सब कुछ समझ भी आ रहा है। So, आज हम शुरू करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट टू का लेक्चर नंबर 4। पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट वन में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक डिटेल्ड डिस्कशन थी। शुरू से लेके 17 लेक्चर हमारे पास बने थे, जहां पे हमने हर एक कंसेप्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से रिलेटेड डिटेल में डिस्कस किया। सो इन केस अगर आपकी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कमजोर है, आपको नहीं आता है, या आपने हमारे वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सो प्लीज यू कैन डू दैट ऑल्सो, और आप अपने नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब हमने इस जीओसी पार्ट टू में क्या शुरू किया है डिस्कस करना? हमने शुरू किया है आइसोमेरिज्म पढ़ना। पहले लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसके को कैसे क्लासिफाई करते हैं। दो ब्रॉड कैटेगरीज थी, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म था, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था। फिर हमने एक डिटेल डिस्कशन शुरू की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। पहले लेक्चर में हमने दो तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखे, एक थे चेन आइसोमर्स और दूसरे थे पोजिशन आइसोमर्स। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया था, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारा कंसेप्ट क्लियर है। लेक्चर नंबर टू में हमने और तीन तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा। हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ा, मेटामेरिज्म पढ़ा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा, और उसके साथ हमारे पास पांच टाइप्स कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की स्टडी रह गई है, जो कि हम इस लेक्चर में करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? पिछले लेक्चर में हमने कंसेप्ट सीखा था, दैट इज कॉल्ड एज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिससे हमें ये मालूम लगता है कि अगर हमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो उसके लिए कितनी तरह के हम फंक्शनल ग्रुप्स हम उसके अंदर बना सकते हैं, और उससे हमें क्या हेल्प मिलती है। उससे हमें जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो बनाने में बहुत सारी मदद मिलती है। राइट, सो अगर आपको अगेन कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कीजिए, या हमारा ईमेल आईडी हमेशा एंड में लिखा रहता है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, क्वेरीज होती हैं, जो कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के नहीं पूछ सकते हो, तो आप हमें एक ईमेल करोगे। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम विद इन 24 to 48 आवर्स आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करते जाइए। तो अब कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दैट इज टॉटोमेरिज्म। राइट, अब ये टॉटोमेरिज्म का जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन में, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये कंसेप्ट आगे भी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है, स्पेशली क्लास 12th में यूज करेंगे हम इसको। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। इनफैक्ट अगर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा कोर्स है जो कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, हर एक चीज को हम बहुत डिटेल में यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं, अगर आपने इस सबको अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगे डिफरेंट कोर्सेस करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका फाउंडेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये समझ में आया तो सब समझ में आएगा, ये समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज हर एक लेक्चर को अच्छे से देखिए, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, सो दैट कि आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सके। बहुत इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप उसको अच्छे से समझ के करते हैं। अगर आप ये करेंगे कि सिर्फ हमने रिएक्शंस याद कर ली, तो आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट मी आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझ लिया, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आना वाला है। ठीक है, तो हम एक डिटेल्ड कोर्स आपके लिए पुट कर रहे हैं, कोई भी लेक्चर आप मिस नहीं कीजिए। अब टॉटोमेरिज्म पे आते हैं। तो टॉटोमेरिज्म को मैंने जैसे बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग इसकी चाहिए। तो हम यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पे दो लेक्चर्स डालेंगे,
दो लेक्चर्स क्यों डालेंगे, क्योंकि जो टॉटोमेरिज्म वन है यहाँ पे हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि टॉटोमेरिज्म क्या होता है, कैसे हम टॉटोमर्स को ड्रॉ करते हैं, क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट है टॉटोमेरिज्म के लिए, तो ऐसी बेसिक बेसिक बातें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं इससे रिलेटेड, जहाँ पे ज्यादा एक्चुअली में एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट उसके लिए हमने एक सेपरेट लेक्चर इसलिए रखा है कि आप यहाँ पे लेक्चर वन में एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग कर लो कि टॉटोमेरिज्म क्या होता है। उसके बाद जो लेक्चर टू है वो मैं चाहूंगी कि जब हम जीओसी पार्ट थ्री को करेंगे, जीओसी थ्री पार्ट थ्री में हम क्या करने वाले हैं, हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक छोटा छोटा कंसेप्ट वहां पे इम्पोर्टेंट रहेगा, तो वो जो कंसेप्ट हैं वो टॉटोमेरिज्म को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आपने वो पढ़े नहीं है। चाहे मैं टॉटोमेरिज्म पार्ट टू के अंदर उन कंसेप्ट को पढ़ाए बिना भी बहुत सारी चीजें आपको समझा देने वाली हूँ, बट मेरी सजेशन ये रहेगी कि जब आप जीओसी पार्ट थ्री को पूरा अंडरस्टैंड कर चुके होंगे तो टॉटोमेरिज्म पार्ट टू को आपको दोबारा से देखना है, और आपको लगेगा कि आप उस चीज को जब आपने पहले पढ़ी थी वो इतने अच्छे से समझ में नहीं आई थी, और जब आपने जीओसी पार्ट थ्री को सारा पढ़ लिया है तो वो टॉटोमेरिज्म पार्ट टू आप बहुत अच्छे से समझ लोगे। इसलिए मैंने उन दोनों लेक्चर्स को अलग अलग कर दिया है, सो दैट कि आप यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, इसको दोबारा से देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको टॉटोमेरिज्म पार्ट टू को दोबारा से देखना होगा जब हम जीओसी पार्ट थ्री को कर लेंगे। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब टॉटोमेरिज्म हमने पिछले लेक्चर में भी कहीं पे टॉटोमर्स जो दो जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, ऐसे आइसोमर्स हैं ऑब्वियसली, टॉटोमेरिज्म भी है, तो दो तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, उसके अंदर क्या डिफरेंस है वो हमने समझना है। बट आई होप आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में टॉटोमर्स वर्ड यूज किया था, कहाँ पे यूज किया था अगर आपको याद कराऊं तो, जब हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स निकाल रहे थे हमने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया था C3H6O, तो उसके जब आप सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर रहे थे वहां पे दो स्ट्रक्चरल आइसोमर ऐसे थे जो मैंने आपको बताए थे, एक था प्रोपानल और एक था प्रोपानोन, तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड और तीन कार्बन वाला कीटो। वो दोनों के लिए मैंने आपको उसके बाद जो तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो प्रोपानल का टॉटोमर है और जो चौथा स्ट्रक्चर है वो प्रोपानोन का टॉटोमर है। तो वहां से ही आज हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा तो वहां पे आपका एक क्वेश्चन मार्क है कि ये टॉटोमर्स क्या था, तो वहीं से आज का ये लेक्चर शुरू करेंगे सो दैट कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग की कॉन्टिन्यूटी बन सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमने C3H6O के बनाए थे उसमें सबसे पहले क्या बनाया था, डीबी वैल्यू 1 आई थी, इसका मतलब था कि एक रिंग हो सकती है या एक डबल बॉन्ड हो सकता है। हम अभी रिंग वाले स्ट्रक्चर्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो पहला स्ट्रक्चर जो हमारे दिमाग में आता है वो है कार्बोनिल एज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो या वो एक एल्डिहाइड हो सकता है या वो कीटोन हो सकता है, और हमने सबसे पहले जो एल्डिहाइड बनाया वो था प्रोप्योर एल्डिहाइड या प्रोपानल। ठीक है, तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड, उसके बाद हमने तीन कार्बन वाला कीटोन बनाया, वो कौन सा बना, एसीटोन बना या प्रोपानोन बना, आईयूपीएसी नेम प्रोपानोन, कॉमन नेम एसीटोन। अब इसके बाद मैंने दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे, पहला स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया था वो था प्रोपीन वन पोल, और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोप्योर एल्डिहाइड का टॉटोमर है, और सिमिलरली प्रोपीन टू ऑल बनाया था और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है वो एसीटोन का टॉटोमर है, तो वो वहां पे मैंने आपको कहा था कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आई होप आप सबको याद है, तो आज वो टाइम आ गया है जब हम टॉटोमेरिज्म को स्टडी कर रहे हैं, हम देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं। ठीक है, टॉटोमेरिज्म का मीनिंग क्या है सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं।
सो टॉटोमेरिज्म को हम डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, क्रिप्टोमेरिज्म भी बोलते हैं, कई लोग इसको सिर्फ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, जो कि वो सही नहीं है, क्योंकि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इस टॉटोमेरिज्म के कंप्लीट आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास असेंशियली जो नेम है, जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, वो है टॉटोमेरिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म या डायनेमिक आइसोमेरिज्म। अब इसका मीनिंग क्या है? टॉटोमेरिज्म वो फिनोमिनन है, आइसोमेरिज्म है तो सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा, ठीक है, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला जो कि दो कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो दो कंपाउंड्स हैं, दे एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, उन दोनों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि ये अगर आप देखोगे एसीटोन और प्रोपीन टू ओर के बीच में, आप ये साइन देख सकते हो, इसका ये किसका साइन है? एक इक्विलिब्रियम का साइन है। सिमिलरली प्रोपियोन एल्डिहाइड और प्रोपीन वन ऑल में ये इक्विलिब्रियम का साइन है। इक्विलिब्रियम का साइन का मीनिंग क्या होता है कि ये जो दो रिएक्शंस हैं, ये एक याद रखना कि ये या लिक्विड फेज में होंगे या ये गैसियस फेज में होंगे, ये सॉलिड फेज में नहीं होंगे, ठीक है। तो जब ये लिक्विड या गैसियस फेज में रिएक्शन हो रहा है तो ये एक इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है। कोई एक ऐसा पॉइंट आ सकता है रिएक्शन के अंदर जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है कि देयर इज वन पॉइंट जहां पे ऐसा होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मगर वो पॉइंट ऐसा होना जरूरी नहीं है जहां पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों 50-50% होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट ही हो, प्रोडक्ट बने ही ना। ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड कर जाए, सारा का सारा प्रोडक्ट बन जाए और रिएक्टेंट बचे ही ना। या ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा सारा रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट कम हो, या बहुत सारा प्रोडक्ट हो और रिएक्टेंट कम हो। तो कोई भी पॉसिबिलिटी है जब हमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। इक्विलिब्रियम आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, सो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब हम कह रहे हैं कि ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का वो पॉइंट वो बहुत डायनेमिक है जिसमें एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कॉन्टिन्यूसली कन्वर्ट होता रहता है। So this is a dynamic equilibrium. और ये दोनों को जो compounds हैं, इनकी interconversion equilibrium point पे continuously होती रहती है। एक form इधर convert हो रहा है, एक form, because the rate of forward reaction this is equal to the rate of backward reaction, तो reactant product form करता जा रहा है और product वापस reactant देता जा रहा है। So this is dynamic equilibrium. तो ये एक ऐसा मॉलिकुलर फॉर्मूला है जो कि दो कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख रहे हो कि दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है और ये दो कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक OH है और ये एक अनसैचुरेटेड एल्कोहल है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि हम इसको कह सकते हैं कि ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। बट जस्ट रिमेम्बर कि ये जो स्पेशल टाइप है ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जहां पे जो दो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो अगर टॉटोमेरिज्म हो रहा है तो उसको टॉटोमेरिज्म ही बोलेंगे, हम उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं बोलेंगे। अगेन वो प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखो, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या होगा? प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल आइसोमेरिज्म से टॉटोमेरिज्म ऊपर होगा। सबसे पहले होगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, अगर आपको कोई स्ट्रक्चर्स में कंफ्यूजन आ रही है, उसके बाद टॉटोमेरिज्म, उसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिर मेटामेरिज्म, फिर चेन आइसोमेरिज्म और लास्टली पोजिशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ द टू फॉर्म्स इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द बॉन्ड्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जब ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तो बॉन्ड्स के अंदर भी एक चेंज होता है। बॉन्ड्स को इसको कह सकते हो कि बॉन्ड टर्न कर गया। यहाँ से बॉन्ड कहाँ पे टर्न किया गया है? इस साइड पे,
राइट। तो यही कार्बन है जो कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, यही वाला कार्बन अपने बॉन्ड को टर्न करके दूसरी साइड पे दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको हम डेस्मोट्रोपिज्म बोलते हैं, क्योंकि डेस्मो का मीनिंग है बॉन्ड और ट्रोपिज्म का मीनिंग है टर्न। सो दिस इज अ बॉन्ड टर्न, बॉन्ड का टर्न हो गया, राइट। और डायनेमिक आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये जो आइसोमर्स हैं वो एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। सो सारी तीनों टर्म्स अब आपको समझ में आ गई, ठीक है। हम चलते हैं कि टॉटोमेरिज्म की डिटेल्स को स्टडी करेंगे वन बाय वन, और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे इस कंसेप्ट को, सो दैट कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। और बाय द एंड ऑफ द लेक्चर जो मैं चाहती हूँ वो ये है कि आपको अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर दिया हुआ हो किसी भी तरह का, आप एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं वो आपको आता, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं टॉटोमेरिज्म की डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो हमारे पास ब्रॉडली स्पीकिंग दो टाइप्स हैं, एक है डायड सिस्टम या डायड टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म आप कह सकते हो, या एक है हमारे पास ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमेरिज्म या टायड टाइप, जिस तरीके से आप मर्जी कहिए, एक है डायड और एक है ट्रायड। डायड स्टैंड करेगा टू के लिए और ट्रायड स्टैंड करेगा थ्री के लिए। अब टू और थ्री चीजें क्या है, वेल टू पॉलीवेलेंट एटम्स और थ्री पॉलीवेलेंट एटम्स। पॉलीवेलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमारे पास दो सिस्टम्स हैं टॉटोमेरिज्म के, जहां पे दो पॉलीवेलेंट एटम्स होंगे उसको हम डायड बोलेंगे, और जहां पे तीन पॉलीवेलेंट एटम्स होंगे उसको हम ट्रायड सिस्टम बोलेंगे। इसको अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। पहले डायड सिस्टम का एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास है हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। तो एक HCN एक HNC, दोनों को आप देख सकते हो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो दोनों आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, एक में CN है एक में NC है, तो अगेन फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी है, मगर ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, क्योंकि आप यहाँ पे एक बीच में इक्विलिब्रियम का साइन देख रहे हो। सो दिस दे टू आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दे आर कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग देयर फॉर्म। तो ये कैसे आइसोमर हो गए, ये हो गए टॉटोमर्स। अब ये डायड सिस्टम का क्या है मीनिंग, तो डायड सिस्टम में मैंने आपको बताया कि दो एटम्स होने चाहिए जो पॉलीवेलेंट हो। तो इसमें आप देख सकते हो कि कार्बन एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर सकता है, नाइट्रोजन भी एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर सकता है, ये मेरे पॉलीवेलेंट एटम्स हैं। अब इसमें आप देखोगे कि हाइड्रोजन साइनाइड में एक हाइड्रोजन है जो कि कार्बन के साथ अटैच्ड है, और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में वही हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है। तो हुआ क्या है इस टॉटोमर्स में कि पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे हाइड्रोजन का शिफ्ट अगर हो जाए तो हमारे पास दूसरा टॉटोमर बन जाएगा। इस पोजीशन से इस पोजीशन पे शिफ्ट किया तो हमारे पास ये वाला टॉटोमर बन गया। वन पोजिशन से टू पोजिशन पे शिफ्ट किया तो ये वाला टॉटोमर बन गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है, एटम नंबर वन से एटम नंबर टू। एटम्स कैसे हैं, दोनों पॉलीवेलेंट एटम्स हैं। तो ऐसी सिस्टम ऑफ टॉटोमेरिज्म को बोलेंगे हम डायड सिस्टम। दिस इन्वॉल्व्स वन टू माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू द अदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल था, विद द नेसेसरी रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स। ऑब्वियसली अगर यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा तो हमें बॉन्ड्स को रीअरेंज करना पड़ेगा सो दैट की सब एलिमेंट्स की जो वैलेंसीज है वो सेटिस्फाई हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायड सिस्टम। तो ट्रायड सिस्टम में तीन पॉलीवेलेंट एटम्स होंगे। इसको मैंने यहाँ पे भी एक जनरल फॉर्म में लिखा है, ए बी सी एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट से कौन कौन से होते हैं ये भी अभी बताऊंगी, बट ये जनरल अभी हमने तीन पॉलीवेलेंट एटम लिए, ठीक है, ए बी सी। इसको मैंने कहा वन, इसको मैंने कहा टू, इसको मैंने कहा थ्री। अब इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास ए बी सी और एच मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है, ठीक है। अब मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इसमें हमने क्या किया, अगेन हाइड्रोजन को ही देखेंगे। हाइड्रोजन पहले ए एटम के साथ अटैच था, अब सी एटम के साथ अटैच है, ठीक है। तो सी क्या था, थ्री था, और ए क्या है, वन। तो हाइड्रोजन कहाँ पे शिफ्ट हुआ, वन से थ्री पोजिशन पे शिफ्ट हुआ। यहाँ पे हमारे पास वन से टू पोजिशन पे शिफ्ट हुआ था,
डायड सिस्टम में, ट्रायड सिस्टम में वन से थ्री पे शिफ्ट हो रहा है हाइड्रोजन एटम, और साथ में अगेन नेसेसरी रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि बी और सी के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, और ये टॉटोमर में कहाँ पे जा रहा है, ए और बी के बीच में, राइट। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ए और बी के बीच में, अगर अब हम ए और बी के बीच में से वापस इसको बी और सी के बीच में ले जाएंगे और हाइड्रोजन को वापस यहाँ पे ए पे पास ले आएंगे, तो हमारे पास ये वाला फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। सो वन से थ्री पोजीशन पे हाइड्रोजन का हमने शिफ्ट किया, नेसेसरी रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स हुआ, ए बी सी तीनों कैसे एटम्स थे, वो तीनों पॉलीवेलेंट एटम्स थे। तो ऐसे सिस्टम ऑफ टॉटोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो इसको भी डिफाइन कर देते हैं। सो हमारे पास है ट्रायड सिस्टम, दिस इन्वॉल्व्स वन थ्री माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू द अदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल विद नेसेसरी रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स। अब इस ट्रायड सिस्टम में आगे बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, आप कह सकते हो बहुत सारे डिफरेंट पॉलीवेलेंट एटम्स हो सकते हैं जो कि ये फिनोमिनन शो करेंगे। उसमें जो मोस्ट कॉमन है वो है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। अब इसमें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का मीनिंग समझो, कीटो स्टैंड कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप के लिए। अगर हमारे पास एक मॉलिकुलर फॉर्मूला हो, उस मॉलिकुलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने वाला एक स्ट्रक्चर जो हो उसमें एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, चाहे वो एक एल्डिहाइड हो चाहे वो एक कीटोन हो, हम उसको क्या बोलेंगे, कीटो फॉर्म, ठीक है। ये जैसे सपोजिटली हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो और ये एक एल्डिहाइड हो, तो ये इसका क्या बन जाएगा, कीटो फॉर्म। और दूसरी साइड पे आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, आप एग्जाम्पल्स के साथ समझोगे कि वो उसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा और ये कार्बन के साथ एक OH ग्रुप भी अटैच्ड होगा, तो ये इन ऑल है, इन ऑल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसी टॉटोमेरिज्म को हम बोलेंगे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड और हमारे पास है विनाइल एल्कोहल। इसका IUPAC नेम क्या होगा, इथानल, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड इथानल और दो कार्बन वाला एल्कोहल क्या होता है, इथानॉल, मगर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो ये बन जाएगा इथिनॉल, ठीक है, इथ इन ऑल। और क्योंकि इन और ऑल आ गया, आप देख सकते हो डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और OH भी प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलेंगे इनॉलिक फॉर्म, और इसको क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे कीटो फॉर्म, राइट। अब हमने ये इनको कैसे ड्रॉ किया, अब आप इसको देखो, हमारे पास ये वाला एटम है कार्बन नंबर, एटम नंबर वन, ये एटम नंबर टू, ये एटम नंबर थ्री, राइट। तीनों पॉलीवेलेंट एटम्स हैं, इसके पास हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन का एटम वन से थ्री पोजिशन पे शिफ्ट कराना है और डबल बॉन्ड को कहाँ पे शिफ्ट कराना है, ये वन और टू के बीच में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आप ये देख सकते हो, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आया तो OH बन गया, डबल बॉन्ड या वन और टू के बीच में चला गया तो ये आ गया। तो एसिटाल्डिहाइड और विनाइल एल्कोहल दे आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर। एक और एग्जांपल देखो, सो ये हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एसीटोन और प्रोपीन वन इन टू ऑल, जो कि आप पिछले जब हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे थे C3H6O के, ये हम दोनों स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए थे, ठीक है। अब इसके अंदर 1, 2, 3 को नंबर करते हैं, ये हमारे पास है 1, ये हमारे पास है 2, ये हमारे पास है 3, ये दूसरी साइड पे भी 1 हो सकता है, ठीक है। अभी आपको समझाती हूँ क्यों। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आपने 1 से 3 पोजीशन पे शिफ्ट किया, ये आप यहाँ पे OH देख सकते हो, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट की हुई है, तो ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के टॉटोमर। अब सिमिलरली आप अगर ऑपोजिट साइड पे देखोगे, यहाँ पे भी कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये वाला स्ट्रक्चर इधर से ये भी ऐसे दे सकता है हाइड्रोजन, ठीक है। अगेन जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सेम बनेगा, एक्सेप्ट कि आपको नंबरिंग अब इस एंड से शुरू करनी पड़ेगी। ऑलराइट, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंटली आपको जो समझना है वो ये है कि ये जो तीन एटम्स हैं हमारे पास, ए बी और सी, ये क्या है, ठीक है। जो ए है आपने अभी देखा कि इसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, सो एटम ए शुड हैव हाइड्रोजन, आपको आगे समझ में भी आ जाएगा, नेसेसरी कंडीशंस भी बताऊंगी। तो यहाँ पे एटम ए दिस शुड हैव अ हाइड्रोजन, मगर शुड हैव हाइड्रोजन, राइट।
मगर ये खुद से हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, जस्ट रिमेम्बर दिस। एटम ए एक अलग सा एटम है जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, वो खुद से हाइड्रोजन नहीं है। एटम भी कोई भी एटम हो सकता है, जो भी होगा आप एग्जांपल्स में देखोगे कि कॉमन एग्जांपल्स में कौन सा आ रहा है, बट ये कोई भी एटम हो सकता है, इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिकेशन नहीं है एक्सेप्ट कि एक पॉलीवेलेंट एटम है, ठीक है। और सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास होगा या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर, ठीक है, और ये एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, राइट। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन या सल्फर जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये हमारे ए बी सी एटम्स है। अब इस तरह से अब इसको देखो, हमारा एटम ए आप देख सकते हो कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, हाँ है, ठीक है। हमारे पास एटम भी कोई भी एटम हो सकता है, पॉलीवेलेंट होना चाहिए, वो कार्बन है, पॉलीवेलेंट है, बिल्कुल है। हमारा एटम थ्री ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर में से कुछ होना चाहिए, ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही। क्या ये ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, हाँ फॉर्म कर रहा है। तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये टॉटोमेरिज्म को शो कर सकता है। समझ में आ गया आप लोगों को? इस तरीके से अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको हमेशा दिख जाएगा कि वो स्ट्रक्चर टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स करेंगे और हमारी परफेक्शन आ ही जाएगी, डू नॉट वरी, ठीक है। सो आई होप आपको अब एटलीस्ट ये समझ में आ गया कि ए बी सी क्या होने चाहिए हैं और कैसे ये वन पोजिशन से थ्री पोजिशन पे हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है और साथ में डबल बॉन्ड का टर्न हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो मिस नहीं करनी है वो ये है कि अगर आप HCN और HNC को देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं, बट जस्ट रिमेम्बर कि आगे अगर इनका हम अल्काइल डेरिवेटिव्स ले लें, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा दें, RHCN RCN बन जाएगा और ये बन जाएगा RNC, वो दोनों जो होंगे प्लीज डू रिमेम्बर वो फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, वो टॉटोमर्स नहीं है। वो टॉटोमर्स क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट नहीं करते। ये एक इंडिपेंडेंट अल्काइल डेरिवेटिव्स की सीरीज बना सकता है, ये एक इंडिपेंडेंट सीरीज बना सकता है, बट वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए वो सिर्फ फंक्शनल आइसोमर्स रह जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों आपस में टॉटोमर्स है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको देखनी है वो ये है कि हमने लिखा है एसिटाल्डिहाइड के नीचे कीटो फॉर्म दिस इज 100% और विनाइल एल्कोहल दिस विनोलिक फॉर्म दिस इज नियरली 0%। इसका मतलब क्या है? वेल, इसका मतलब ये है कि जब हम इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं इस रिएक्शन सिस्टम के लिए, तो उसमें हम देखते हैं कि जो रिएक्टेंट है दैट इज एसिटाल्डिहाइड, आप कह सकते हो, ठीक है, कि ये जो कीटो फॉर्म है वो 100% नियरली 100% प्रेजेंट है और जो इनॉल फॉर्म है वो नियरली 0% है, ठीक है। इसका मतलब है कि बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेट कर रही है। क्यों बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेट कर रही है? इसलिए डोमिनेट कर रही है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। इसके बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन हमें करनी है जो कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। हम इस लेक्चर में कुछ बेसिक बेसिक चीजें सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कंसेप्ट के अंदर क्या है, बट डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है कि ये जो फॉर्म है कीटो फॉर्म है वो इससे ज्यादा स्टेबल क्यों है। थोड़ा थोड़ा भी आइडिया आगे लेक्चर में दूंगी भी आपको, बट डिटेल्स हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसकी इसलिए जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा उसमें परसेंटेज ज्यादा होगी इनॉल फॉर्म से। सिमिलरली आप एसीटोन और प्रोपीन वन इन टू ऑल के लिए भी देख सकते हो कि कीटो फॉर्म जो है दैट इज 99.7% जबकि इनॉल फॉर्म दिस इज अगेन नियरली 0%, ठीक है। तो ये कितना बना? 0.3% बना, तो अगेन नियरली 0% है। तो इसका मतलब है अगेन कि जो कीटो फॉर्म है वो इस फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। वो ज्यादा स्टेबल क्यों है? वो ज्यादा स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सानोन। अब इसके अंदर अगेन 1, 2, 3 एटम्स को हम नंबर करेंगे तो हमें हमेशा आसान रहेगा कि कहां से कहां पे हमने हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर हमारा क्या है? एटम नंबर 3,
और ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे पास एटम नंबर टू आ गया, जिसके साथ ये ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड फॉर्म किया। अब इसके दोनों साइड पे कार्बन है, हम दोनों को ही नंबर वन ले सकते हैं, ठीक है। अब दोनों साइड पे अगर आप हाइड्रोजन देखोगे तो हमारे पास वन के लिए कंडीशन क्या है कि इसके पास एक हाइड्रोजन का एटम होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है। अब दोनों तरफ से कहीं से भी वन से थ्री पे हाइड्रोजन शिफ्ट कर लो, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, जो स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी द सेम, ठीक है। तो आप नंबरिंग उसके अकॉर्डिंगली करोगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये हमारा कार्बन है, कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इससे जो नेक्स्ट कार्बन है, चाहे इधर का ले लो चाहे आप इधर का ले लो, इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, ठीक है। कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वो क्या हो गए, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या बन गई हमारे को टॉटोमेरिज्म के लिए, कि जो भी स्ट्रक्चर है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी है। और डिटेल में भी आगे हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, बट जस्ट रिमेम्बर कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी है। अब हम जब इसका टॉटोमर ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, सपोजिटली हमने यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट किया यहाँ पे, और जो बॉन्ड होगा वो टर्न होके बस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारे पास, स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला साइक्लोहेक्सवानीन वन ऑल। अब आप ये देख सकते हो कि ये वाला स्ट्रक्चर हमने कहा 98% है, ये वाला 1.2% है। इसका मतलब है कि कीटो की जो परसेंटेज है वो इनॉल की परसेंटेज से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, दिस इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर आप बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू देखोगे कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड की, तो दिस इज 364 किलो जाउल पर मोल, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू है दैट इज 254 किलो जाउल पर मोल। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जब ये बॉन्ड बनता है तो कितनी एनर्जी पर मोल रिलीज होती है, 364 किलो जाउल, और ये वाला जब बनता है तो पर मोल एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 254 किलो जाउल। और जब एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, और सिस्टम की एनर्जी अगर कम होती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। आई होप यू ऑल रिमेम्बर केमिकल बॉन्डिंग, हमने स्टडी किया था कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, कि सिस्टम अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहता है, कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहता है, और जितनी एनर्जी वो ज्यादा डिक्रीज कर सकता है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। कन्वर्सली अगर आप देखोगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वैल्यू इतनी होगी, ठीक है, तो बॉन्ड को तोड़ने में भी आपको इतनी एनर्जी लगेगी, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, तो ऑब्वियसली ये वाला टूटेगा ये वाला बनेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ द कीटो प्रोडक्ट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ द इनॉल प्रोडक्ट। समझ में आ गया, ये जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जो मोनोकार्बोनिल ग्रुप्स है, जहां पे सिंगल कार्बोनिल ग्रुप है, वहां पे हम देखते हैं कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द इनॉल। एक्सेप्शंस भी आएंगी, उसको हम वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्यों है स्टेबल, कहां कहां पे स्टेबल हो सकता है इनॉल फॉर्म, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। अब हम देखते हैं और एग्जाम्पल्स जहां पे हमारे पास ट्रायड सिस्टम होगा और वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है नाइट्रो, एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, जो कि शो करते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। कौन से नाइट्रो कंपाउंड्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड्स ये नहीं शो करेंगे, क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अब आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, दिस इज नाइट्रो इथेन, तो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन हमारा एटम नंबर क्या हो जाएगा, ये एटम नंबर टू होगा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये थ्री हो गया, और ये वाला कार्बन हो गया एटम नंबर वन। इसके पास आप देख सकते हो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। टॉटोमेरिज्म शो करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन वन से थ्री पोजीशन पे शिफ्ट कर जाएगा, वन से थ्री पे चला गया OH बन गया, और बॉन्ड ने क्या करना है, टर्न करके दूसरी साइड पे चला जाना है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, ये बन गया आइसो नाइट्रो इथेन। इसको हम एसी फॉर्म, एसिड फॉर्म बोलते हैं, बिकॉज दिस इज बिहेविंग लाइक एन एसिड एंड दिस इज नॉट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोसो ऑक्सीमिनो सिस्टम,
अगेन आपको ये नाम डिफिकल्ट लगेंगे, बट डू नॉट वरी, अभी हम सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर टॉटोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा, उसका टॉटोमर कौन सा होगा। ये जो नाम है ये सब आपने बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है 11th 12th में, ये सब नाम आपको समझ में आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोसो इथेन एंड इथानल ऑक्साइम का, ये दो स्ट्रक्चर है आपके पास, तो हम चेक करते हैं कि ये दो दो स्ट्रक्चर्स हैं क्या एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं या नहीं। जनरली आपको एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आप इसका या तो टॉटोमर बताइए, आपको चार ऑप्शंस दी हुई होंगी, या आपको पूछा जाएगा कि ये बताओ, चार ऑप्शंस दी होंगी कि ये और ये क्या एक दूसरे के टॉटोमर हैं या नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर अगेन क्या देखेंगे कि ये हमारा एटम नंबर 2 और 3 है। ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर एटम नंबर 3 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एटम नंबर 2 से, ये कोई भी एटम हो सकता है, और उसके बाद एटम नंबर 1 के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, इसके पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये वाला है, ये वाला है, तो ये अपना 1 हाइड्रोजन कहाँ पे देगा, ये एटम नंबर 3 को देगा, और ये बॉन्ड क्या करेगा, इधर को टर्न कर जाएगा। स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हो कि ऐसा हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो इथेन, नाइट्रोसो फॉर्म है और ये ऑक्सीमिनो फॉर्म है, ये एक ऑक्साइम है, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आप ये डबल बॉन्ड रख सकते हो, और ये नाइट्रोजन क्या फॉर्म कर रहा है दूसरी साइड पे, एक ओएच बॉन्ड। ठीक है, सो ये हमारे पास नाइट्रोसो ऑक्सीमिनो सिस्टम है, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, टॉटोमर फॉर्म हुए हैं। राइट, समझ में आ रहा है, सिर्फ एक कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं होती। और देखते हैं इमीन इनामीन सिस्टम, अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया है, प्रोपेन 1-amine एंड प्रोप 1-ene-1-amine, ये टॉटोमर्स हैं, एग्जाम्पल है। आप स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, अगेन 1-2-3 को आइडेंटिफाई करो, ये डबल बॉन्ड रहा, डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन एटम नंबर 3 बन गया, ये एटम नंबर 2 बन गया, ये एटम नंबर 1 के पास अल्फा हाइड्रोजन है, और जहां पे ये कार्बन डबल बॉन्डेड विद NH है उसको हम इमीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है प्रोपेन 1-amine, और अगेन ये 1 से 3 पोजीशन पे जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का टर्न हो जाएगा दूसरी साइड पे, और आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज प्रोपेन 1-ene-1-amine। तो NH2 ग्रुप क्या होता है, NH2 ग्रुप अमीन होता है, ये तो आप सब जानते हो, और अगर ये सब सिंगल बॉन्ड्स होते तो ये क्या होता, प्रोपेना अमीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये क्या बन गया, प्रोप 1-ene-1-amine, तो ये बन गया इन अमीन। ओके, सो ये इन अमीन है और ये इमीन है, अगेन ये नाम आप लोग धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे, डू नॉट वरी अबाउट द नेम्स। ओके, यहाँ पे हम सिर्फ फोकस करेंगे कि आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर टॉटोमर फॉर्म कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो कौन सा टॉटोमर बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एमिडो इमिडोल सिस्टम और थायो एमिडो इमिथायोल सिस्टम। अगेन अब एमिडो ये अमाइड के लिए है, तो आप यहाँ पे यूरिया का एग्जाम्पल है यहाँ पे हमने लिया, तो यहाँ पे यूरिया के अंदर क्या है, अमाइड ग्रुप है। अब अमाइड ग्रुप में अगेन आप देख सकते हो कि एक कार्बोनिल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीजन हमारा एटम नंबर 3, ये एटम नंबर 2, इस साइड पे भी ये नाइट्रोजन एटम नंबर 1 या इस साइड पे नाइट्रोजन एटम नंबर 1, दोनों में से किसी भी तरफ आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको इसका टॉटोमर मिल जाएगा। ठीक है, दोनों की तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर हमने सपोजिटली ये 1 में से हाइड्रोजन को 3 पे शिफ्ट किया तो जो स्ट्रक्चर बनेगा आप वो देख सकते हो, OH आ गया और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, परफेक्टली फाइन। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ गया विद अ डबल बॉन्ड टू द कार्बन, इसको हम बोलते हैं थायो यूरिया। तो अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे एटम नंबर 1 के पास अल्फा हाइड्रोजन है जो कि ये सल्फर को देगा और बॉन्ड का टर्न होगा, इसको हम बोलते हैं थायो एमिडो फॉर्म और इसको हम बोलते हैं इमिथायोल फॉर्म, दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स। ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया अब आप लोगों को, आई होप कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो फील फ्री उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट अब सीखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक टॉटोमेरिज्म, इसको हम केटाइनोट्रॉपी भी बोलते हैं। दिस अराइजेस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो आई होप ये आप सबको अच्छे से मालूम है कि हाइड्रोजन एटम का एक्सचेंज होता है वन से टू पोजिशन पे हो, चाहे वो वन टू थ्री पोजिशन हो, मगर एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। और एक्चुअली में ये एक हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज होता है। एच आयन जो है वो एक जगह से टूट के दूसरी जगह पे जाके अटैच होता है, जब हम इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। वो हम अभी इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस की नहीं है। जब आपको वो समझ में आ जाएगा तो आप इसका मैकेनिज्म बहुत इजीली समझ लोगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको केटाइनोट्रॉपी भी बोलते हैं। और ये जो एक्सचेंज है, दिस इज अकंपनीड बाय द नेसेसरी रीअरेंजमेंट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। सो आप सब जानते हो कि डबल बॉन्ड का टर्न होता है, इसीलिए हम इसको डेस्मोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट रिवर्सिबल इंट्रामोलिकुलर चेंज। सो आई होप सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, रिवर्सिबल है दोनों टॉटोमर्स एक दूसरे में, और ये एक इंट्रामोलिकुलर चेंज है, एक ही मॉलिक्यूल में एक्सचेंज हो रहा है। सेपरेशन ऑफ टॉटोमर, दिस इज अ बिट डिफिकल्ट ड्यू टू द डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू फॉर्म्स, मगर फिर भी हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। द टॉटोमर्स दैट डिफर इन द स्टेबिलिटी, लेस स्टेबल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, लेबाइल फॉर्म। तो जैसे हमने डिटेल स्टडी कर रहे हैं कीटो इनोन टॉटोमेरिज्म की, उसमें हमने स्टडी किया जो कीटो फॉर्म है, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कीटो फॉर्म हमें ज्यादा मिलता है। तो कम स्टेबल कौन सा हो गया, इनोल फॉर्म। तो इनोल फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, लेबाइल फॉर्म। बट जहां जहां पे इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे वो कीटो फॉर्म ज्यादा लेबाइल फॉर्म हो जाएगा। टॉटोमर्स दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ कीटो एज वेल एज ऑफ द इनोलिक फॉर्म्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की भी प्रॉपर्टीज देंगे और साथ ही में एल्कोहल अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स की भी प्रॉपर्टीज देंगे टॉटोमर्स। इनफैक्ट इनकी जो डिस्कवरी हुई वो उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हुए, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स थे ये दोनों की प्रॉपर्टीज दे रहे थे, एल्कोहल्स की भी दे रहे थे, एल्डिहाइड कीटोन्स की भी दे रहे थे। तो एक डिटेल्ड स्टडी से हमें मालूम लगा कि ऐसे कुछ टॉटोमेरिज्म भी होती है। Tautomers, they are in dynamic equilibrium with each other and they are interconvertible. तो I hope ये अब पर discuss हो ही गया है, I hope सबको समझ में भी आ गया। So two autonomous, they have different functional groups. तो ये भी easily understandable है, चाहे keto enol tautomerism हो, चाहे वो diet systems हो, चाहे वो सारे के सारे triad systems हो, सबके अंदर जो दो tautomers हैं उनका functional group क्या है, different है। Tautomers, they have no effect on bond lengths. Tautomers, they have no contribution to the stabilizing of the molecule and does not lower its energy. और ये जो points हैं ये बहुत important है जब हम tautomerism को resonance के साथ compare करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को misconception होता है कि जो tautomerism है वो resonance है, but actually में there is a difference। अभी हम उसको भी discuss करते हैं। Just immediately अभी के लिए ये दो points हैं जो कि characteristics of tautomerism है। Tautomers, they may occur in planar as well as non-planar molecules. It is a chemical phenomenon which takes place in liquid or gaseous phase only. ये solid phase में कभी भी tautomerism हम नहीं देख सकते। अब हम understand करते हैं कि tautomerism is not resonance. अब हम इसको study क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है टॉटोमेरिज्म की और रेजोनेंस की, रेजोनेंस को अभी आपने केमिकल बॉन्डिंग में ही कुछ पढ़ा है, इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसके एक बहुत डिटेल स्टडी करने वाले हो। ये रेजोनेंस फिनोमिनन ऐसे हम उसको यूज करते हैं जैसे कि हम एक सड़क से दूसरी सड़क पे टर्न करते हैं, तो हमें उस हर एक सड़क के कोने पे रेजोनेंस तो मिल ही जाएगा, इतना फ्रिक्वेंट है ये फिनोमिनन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हमने इसकी डिटेल स्टडी करनी है और उस डिटेल स्टडी में बच्चों के अंदर बहुत कंफ्यूजन होती है कि रेजोनेंस में और टॉटोमेरिज्म में डिफरेंस क्या है। तो उस कंफ्यूजन क्यों आई, सिमिलैरिटी क्या है पहले तो रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में। तो सिमिलैरिटी ये है कि जो रेजोनेंस है वो एक ऐसा फिनोमिनन है जहां पे हम किसी भी एक कंपाउंड के लिए दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, मगर उनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर कंप्लीटली उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सिमिलरली टॉटोमेरिज्म भी एक ऐसा फिनोमिनन है जहां पे हम एक ही कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों के दोनों
कंप्लीटली उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप कीटो फॉर्म को लोगे तो वो इनोलिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, अगर आप इनोलिक फॉर्म लोगे तो वो कीटो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो ये इन दोनों में सिमिलैरिटीज है, तो इसका मतलब है कि क्या वो दोनों सेम है? नहीं, वो दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? उसके लिए सबसे पहले टॉटोमेरिज्म जो है ये एक रियल फिनोमिनन है, हाइपोथेटिकल नहीं है। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है जिसकी हमने हेल्प ली टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, मगर टॉटोमेरिज्म एक रियल फिनोमिनन है। टॉटोमर्स कैसे हैं? वो अभी आपको मैंने बताया था कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं और हम उनको आइसोलेट भी कर सकते हैं, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम आइसोलेट कभी नहीं कर सकते, राइट? तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? टॉटोमेरिज्म दिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द एटम्स, हाइड्रोजन एटम की एक्सचेंज हो रही है, उसकी एक्चुअली में मूवमेंट हो रही है, जबकि रेजोनेंस के अंदर एटम्स की कोई पोजिशन में चेंज नहीं होता। रेजोनेंस के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। तो फंक्शनल ग्रुप्स टॉटोमेरिज्म में चेंज होते हैं, जबकि रेजोनेंस के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स हमेशा सेम रहेंगे, क्योंकि एटम्स की पोजिशन में फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ पे एटम्स की पोजिशन में फर्क पड़ गया तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज रेजोनेंस में नहीं होगा। टॉटोमर्स दे हैव नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टेबिलाइजिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, डज नॉट लोअर इट्स एनर्जी, वेयर एज द रेजोनेंस दिस लीड्स टू इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड द लोअरिंग ऑफ द एनर्जी, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये भी आप डाल सकते हैं कि टॉटोमेरिज्म के अंदर बॉन्ड लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि रेजोनेंस के अंदर बॉन्ड लेंथ में फर्क पड़ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर में फर्क पड़ जाता है, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। अब आप इन दोनों को कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं एसेंशियल कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म पे। तो ये इन सब कंडीशंस को आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, यहाँ पे हम उसको सिर्फ लिख लेते हैं सो दैट कि ये आपको हमेशा याद रहे और साथ में एक बार ही दोबारा से रिवाइज भी हो जाए। तो सबसे पहली कंडीशन, द कंपाउंड मस्ट हैव एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, बॉन्डेड बाय अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? सो आई होप ये आप सबको क्लियर है। ये एटम नंबर 3 जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर होना है, और वो एटम नंबर 2 को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जॉइंड होना चाहिए, चाहे वो सी डबल बॉन्ड ओ हो, चाहे सी एन हो, एन हो, सी डबल बॉन्ड एन एच हो, या सी डबल बॉन्ड एस, या वेरियस डाइट्राइड सिस्टम जो हमने सब पढ़े उनमें एटम नंबर 3 और एटम नंबर 2 क्या होने चाहिए? ये एटम नंबर 3 एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, और एटम नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहिए। उसके बाद रह गया एटम नंबर 1, तो वो कैसा होना चाहिए? उसके पास अटैच्ड एक हाइड्रोजन एटम जरूर होना चाहिए। तो कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा? अगर फॉर एग्जांपल हम कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म को देख रहे हैं तो इसमें क्या है? एसिटोफिनोन है, ब्यूटेन 2 ओन है, प्रोपियोन एल्डिहाइड है। तो क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करते हैं? तो उसको क्या देखते हैं हम? 3 एटम, 2 एटम और साथ में 1 एटम के पास अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है? तो अल्फा कार्बन कौन सा होगा जो कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नेक्स्ट वाला होगा? तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन है। इसके पास आप देख सकते हो 3 हाइड्रोजन है। अब दूसरी साइड पे भी एक अल्फा कार्बन है मगर उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारे पास एक फिनाइल रिंग है, C6H5, राइट? तो ये बेंजीन से बनी है, बेंजीन के हर एक कॉर्नर पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है, मगर यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया सो दैट कि ये बॉन्ड फॉर्म कर सके कार्बन के साथ, राइट? तो ये कार्बन तो अल्फा कार्बन है मगर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ऑलराइट? तो फिनाइल रिंग जहां पे पॉइंट पे जॉइंड है टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वो वाला कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है? ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास है ब्यूटेन 2 ओन, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है? एटम नंबर 3 और एटम नंबर 2 हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कार्बन उसके एडजेसेंट है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन, इसको मैं रब करती हूँ, राइट? सो ये दोनों कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच्ड है उनको हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। नेक्स्ट आ गया प्रोपियोन एल्डिहाइड, तो इसके पास अल्फा कार्बन कौन सा है?
इसके पास अल्फा कार्बन सिर्फ एक है, दूसरी साइड पे कोई कार्बन है नहीं, हाइड्रोजन है मगर हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, वो किसी एटम को अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, दो अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, और इनको एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक होना चाहिए का मीनिंग क्या है कि हमने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ठीक है, जितनी आसानी से ये रिमूव हो सकेगा उतनी ही आसानी से अगला टॉटोमर बनेगा। ठीक है, ऑलराइट। अब इसके अंदर एसिडिक को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, हमें पता है HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, जो ये है एसिड्स, ये एसिड्स बोलते हैं हमें। एसिड हम उनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एच आयंस रिलीज कर सकते हैं। एच आयंस प्लस Cl नेगेटिव आयंस, एच आयंस प्लस SO42 नेगेटिव आयंस, तो ये एसिड्स हैं इसलिए क्योंकि ये एच आयंस रिलीज करते हैं। तो सिमिलरली हमें इस स्ट्रक्चर में से भी क्या चाहिए, हमें चाहिए है कि इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो रिलीज हो सके। ठीक है, तो जितने अच्छे से वो रिलीज हो सकता है उतना वो कंपाउंड ज्यादा टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये स्ट्रक्चर अब देखोगे, पैरा बेंजो क्विनोन, इस स्ट्रक्चर को पहले देखो, इस स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा कार्बन को मैंने मार्क किया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि सारे जो अल्फा कार्बन है उनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास एटम नंबर 3, ये एटम नंबर 2, ये एटम नंबर 1, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मगर फिर भी ये स्ट्रक्चर टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता। क्यों नहीं शो करता, अगर हम इसका टॉटोमर ड्रॉ करेंगे, तो अगर हमने इसका टॉटोमर ड्रॉ किया, सो फॉर एग्जांपल हमने इस पोजीशन पे टॉटोमर ड्रॉ किया, राइट, यहाँ पे एक OH आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जब ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये दो डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन में आ गए, और ये ऐसा स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए ये वाला टॉटोमर फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है मगर फिर भी ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। Alright, और इसलिए ये यहाँ से रिमूव नहीं होगा और टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। सो जस्ट रिमेम्बर दिस कि जो एक डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो हाइड्रोजन जो होगा वो एसिडिक नहीं होगा, इसलिए वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पे। आप सबने सीख लिया है टॉटोमेरिज्म के बारे में, तो आपको ये बताना है कि इन 10 स्ट्रक्चर्स में से कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि टॉटोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से स्ट्रक्चर्स टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है, और अब जो कि क्वेश्चन में नहीं लिखा है और आप ऐड कर लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर, वो ये है कि आपको इनके साथ साथ जिन जो जो स्ट्रक्चर्स टॉटोमेरिज्म शो करते हैं उनके टॉटोमर्स भी ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो पहले आप ये सब कीजिए लेक्चर को यहाँ पे पॉज करके, और फिर जब आप कर लेंगे तब आप इसको फर्दर कंटिन्यू करो और हम उसको डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोगों ने ड्रॉ कर लिए हैं सबके टॉटोमर्स, तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं और देखें कि कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड ऑलरेडी बहुत बारी आप डिस्कस कर चुके हो, ये एटम नंबर 3 हो गया, ये एटम नंबर 2 हो गया, ये एटम नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर होना था, ठीक है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है टॉटोमेरिज्म के लिए। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर के अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप काउंट कर सको कि स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और अब ये स्ट्रक्चर क्या है, टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो क्या हम इसका टॉटोमर ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा तो हम एक आधे स्ट्रक्चर का खुद से भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन था, ये हमारा तीसरा एटम था, अब यहां से तीसरे एटम से डबल बॉन्ड यहाँ पे पहुंचेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, यहां से एटम नंबर 1 से पोजिशन नंबर 3 पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया इसका टॉटोमर। अब यहाँ पे एक और चीज सीखते हैं और वो चीज ये है कि आपको एग्जाम में जब टॉटोमेरिज्म बताना होगा कि ये स्ट्रक्चर टॉटोमेर, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आपको 4 चॉइसेस दी होगी और आपको बताना होगा कि ये स्ट्रक्चर टॉटोमेरिज्म शो करता है या नहीं। उसके अंदर आपको कीटो फॉर्म भी दिया हो सकता है, आपको इनोल फॉर्म भी दिया हो सकता है।
तो हम एक इनोल फॉर्म में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि टॉटोमेरिज्म शो करता है या नहीं। जैसे इसमें हमने 1 2 3 लिखा, यहाँ पे भी हम 1 2 3 लिखते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कंडीशन के अंदर क्या कर देते हैं, सबसे पहली कंडीशन कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या है, एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है। ऑलराइट, हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये हमारा एटम नंबर हो जाएगा 1, उसके साथ ये एटम नंबर 2 और अब ये डबल बॉन्ड अगेन जिसके साथ फॉर्म हो रहा था वो एटम नंबर 3 हो गया। राइट, तो डबल बॉन्ड अभी भी एटम नंबर 2 और 1 के बीच में है और एटम नंबर 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इसके पास एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। असेंशियल कंडीशन में आप सिर्फ अगर आप ये फर्क डाल दो कि डबल बॉन्ड क्या फॉर्म कर रहा है, डबल बॉन्ड या तो कार्बन फॉर्म कर रहा है या ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है या नाइट्रोजन फॉर्म कर रहा है या सल्फर फॉर्म कर रहा है, तो आपकी जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, तो आप दोनों ही स्ट्रक्चर्स में कंपेयर कर पाओगे। तो अब डबल बॉन्ड फॉर्म करने वाला एक कार्बन है, ये एटम नंबर 3, जिसके साथ जुड़ा है वो एटम नंबर 2 और एटम नंबर 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कंडीशंस को कर रहा है तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, 1 पोजिशन से 3 पोजिशन पे हाइड्रोजन आ जाएगा और बॉन्ड का टर्न हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, कीटो फॉर्म बन जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को कि इस तरीके से आप इनोल फॉर्म अगर दिया हुआ है तो उसको कीटो फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इनोल फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म कैसे फॉर्म करेगा। समझ में, परफेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास एसीटोन, तो एसीटोन के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बाकी आप देख ही सकते हो, रिपीट नहीं करते हम उसको, तो इसके अंदर काउंट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 इस साइड पे 3 इस साइड पे, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। टॉटोमर आई होप आप सब जल्दी से ड्रॉ कर ही लोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हमारे पास अगला स्ट्रक्चर आ गया, इसके अंदर भी एटम नंबर 3, एटम नंबर 2, एटम नंबर 1 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, इसके अंदर 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ऑलराइट, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स और साथ में ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब इसके जो इनोल फॉर्म होंगे वो दो तरह के इनोल फॉर्म हो सकते हैं, लेट अस ड्रॉ दैट आल्सो। ठीक है, तो हमारे पास ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, मैं इसके हाइड्रोजन नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, ये कार्बन और ये कार्बन। ऑलराइट, ये ऑक्सीजन OH, अब इधर से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, इधर से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, अगर इधर से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड इधर बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इनोल बन जाएगी और अगर हम इसका, मैं यहीं पे ही ड्रॉ कर रही हूँ, हम इसको डिटेल में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहां से इधर से हाइड्रोजन निकालूंगी तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये दो तरह की इनोल बन जाएगी। इन दोनों में से एक ज्यादा स्टेबल होगी, एक कम स्टेबल होगी, एक ज्यादा कंसंट्रेशन में बनेगी, एक कम कंसंट्रेशन में बनेगी, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ इनोल और रिलेटिव अमाउंट ऑफ इनोल इन कंपैरिजन टू कीटो हम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वाला लेक्चर। सो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है मगर ये किसी भी और एटम को अटैच नहीं है, अकेले प्रेजेंट है, इसका मतलब है इसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है और ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट अब आ गया हमारे पास बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड में हमारे पास क्या है, फिनाइल रिंग लगा हुआ है कार्बन के साथ, अगेन इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन के अंदर यहाँ पे इधर एक फिनाइल रिंग है, तो इधर तो अल्फा कार्बन नहीं है, इस साइड पे अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इससे ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेंजोफिनोन, अगेन इधर भी एक फिनाइल रिंग, इधर भी एक फिनाइल रिंग, इसका मतलब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे हमारे पास इधर एक फिनाइल रिंग, तो अल्फा कार्बन नहीं है,
इधर एक फिनाइल रिंग अल्फा कार्बन नहीं है, बट ये वाला कार्बन इन दोनों के जो बीच में प्रेजेंट है, इसके पास दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑटोमेरिज्म शो करेगा, और आप इसको डिटेल में अगेन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उनकी हमें कैसे पता लगता है कि इनोल फॉर्म जो है वो स्टेबल है या नहीं है। तो बहुत सारी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में अभी रिक्वायर्ड है। तो नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ स्ट्रक्चर आ गया। नाइन्थ स्ट्रक्चर के अंदर अब आप ड्रॉ कर सकते हैं, अब ये हमारा एटम नंबर 3, ये एटम नंबर 2, इधर एक अल्फा कार्बन, इधर एक अल्फा कार्बन, दो और दो चार अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे, ठीक है। और चार अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, सारी कंडीशंस प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, राइट। इनकेस आपको कोई भी डाउट लगे कि आप नहीं ड्रॉ कर पाए हैं और मैंने भी आपको ड्रॉ करके नहीं दिया है, वेल नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं, वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगा। सॉरी यहाँ पे इधर डबल बॉन्ड नहीं है, उसको उसी पोजीशन पे ड्रॉ करते हैं। ऑल्दो इट डज नॉट मैटर कि मैंने उसको कहाँ पे ड्रॉ किया, नंबरिंग वहीं से शुरू हो जाएगी, बट चलो वहीं पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो दैट मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, या आप दूसरी साइड पे ड्रॉ कर सकते हो, तो नंबरिंग उस साइड से होगी, सो वन एंड द सेम थिंग। तो ये इसका क्या बनेगा, टॉटोमर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास अब अगला स्ट्रक्चर आ गया। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर आप आई होप आप सबको याद है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, बट जब वो बॉन्ड फॉर्म होगा वो एक यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, दो डबल बॉन्ड इकट्ठे आ जाएंगे, तो ये ऐसा जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नहीं होता, ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा वो एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा, इसलिए ये फॉर्म होगा ही नहीं, इसलिए ये स्ट्रक्चर टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू अ sp2 कार्बन डज नॉट टेक पार्ट इन टॉटोमेरिज्म, ठीक है। सो आई होप आप सबको अब ये समझ में आ गया कि हम एटलीस्ट टॉटोमर कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एक स्ट्रक्चर के अंदर टॉटोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी, उसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये सब चीजें अब आपने सीख ली है। सो आज का ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश हुआ। आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आ गया, अच्छा इंजॉय भी किया आपने, और आप सब जानते हैं कि अभी हमारा टॉटोमेरिज्म खत्म नहीं हुआ है, हमें बहुत कुछ अभी अगले लेक्चर में पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में टॉटोमेरिज्म पार्ट 2 के लिए, और अभी तक के कंसेप्ट में कोई भी डाउट्स आए तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये हमारी ईमेल आईडी है, जहाँ आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए या हमें मेल कीजिए, बट अपने डाउट्स क्लैरिफाई करते जाइए। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू अगेन, बाय बाय।